इन पौधों को घर पर लगाने से दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ता है धन। पेड़ पौधे तो अपने घर में हर कोई लगाते हैं। घर में पौधे लगाने से वातावरण तो सही रहता ही है, साथ ही घर में हरियाली देखकर मानसिक शांति भी मिलती है। वास्तु में भी पौधों का बहुत महत्व बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि वास्तु में कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है जिनको घर में लगाने से घर में धन धान्य आता है। वास्तु में कुछ पौधों को सुख समृद्धि लाने वाला माना गया है। आप भी अपने घर में इन पौधों को लगाकर धन की कमी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं धन वृद्धि करने वाले पौधों के बारे में। मनी प्लांट के बारे में तो ज्यादातर लोगों को पता होता है। यह पौधा बेल के रूप में बढ़ता है। मनी प्लांट अक्सर लोगों के घर में लगा हुआ मिल जाता है। इस पौधे के बारे में कहा जाता है कि जैसे जैसे यह पौधा बढ़ता है घर में भी धन वृद्धि होती है। इस पौधे को लगाते समय ध्यान रखें कि इसकी बेल हमेशा ऊपर की ओर बढ़नी चाहिए। इस पौधे को घर के आग्नेय कोण में लगाना चाहिए। जिस घर में ये पौधा फलता फूलता है वहाँ धन की कमी नहीं रहती है। वास्तु में शमी के पेड़ को बहुत शुभ और सुख समृद्धि देने वाला माना गया है। बिल्व पत्र के अलावा शिव जी को शमी के पेड़ के पत्ते भी अर्पित किए जाते हैं। ये शिव जी का प्रिय पेड़ माना गया है। इसको घर में लगाने से दरिद्रता का नाश होता है। प्रत्येक सोमवार के दिन शंकर जी को शमी के पत्ते अर्पित करने चाहिए। इससे घर में समृद्धि आती है और आपकी निर्धनता दूर होती है। अश्वगंधा के पौधे का आयुर्वेद में तो बहुत महत्व माना ही गया है। वास्तु में भी अश्वगंधा के पौधे को समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। इसके फूल भगवान को अर्पित भी किए जाते हैं। इसे घर में लगाने से धन संबंधित समस्याएं समाप्त होने लगती है। चीनी वास्तु यानी फेंग शुई और वास्तु में मनी ट्री को धन वर्षा करने वाला पौधा माना गया है। इसकी उत्पत्ति अमेरिका की है, लेकिन आप यहां की कुछ नर्सरी से खरीद कर भी अपने घर में लगा सकते हैं और सुख समृद्धि पा सकते हैं। श्वेताट के पौधे को घर के दरवाजे या फिर गैलरी में लगाना बहुत शुभ रहता है, क्योंकि दूध वाले पौधे घर के अंदर नहीं लगाए जाते हैं। इस पौधे को गणेश जी का प्रतीक माना गया है। यह पौधा सौभाग्य देने वाला है।